बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। चौंतड़ा विकासखंड के गांव डमेहड़ के 72 वर्षीय प्रगतिशील किसान देवराज भारती ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को अपनाकर सफलता की कहानी लिख डाली है। इनकी ये उपलब्धि आज पूरे जोगिंदरनगर क्षेत्र ही नहीं बल्कि प्रदेश के लाखों किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। पेशे से भाषा अध्यापक रह चुके 72 वर्षीय देवराज भारती ने लगभग 5.5 बीघा जमीन को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत न केवल पूरी तरह से जहर मुक्त बना दिया है बल्कि उनके निरंतर प्रयासों से प्राकृतिक खेती अब फायदे का सौदा साबित होने लगी है। खंड चौंतड़ा का निवासी हूं। मैंने 2018 से जो है प्राकृतिक खेती प्रारंभ की है, उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। ज्यों ज्यों निरंतर लगातार जिसके खाद की आपूर्ति हो रही है तो मैं उसमें जो है वो इस साल 5.5 बीघे में जो है वो मैंने प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। इसमें मैंने मटर भी बोए थे, मटरों का जो उत्पादन जो है वो 1 बीघा में 5.5 क्विंटल के लगभग मुझे प्राप्त हुआ है। सभी किसान भाइयों से, लोगों से, गांव वालों से ये निवेदन रहेगा कि सभी जो है इस प्राकृतिक खेती को जो है के कृषि को अपनाएं ताकि उनको जो है वो ज़्यादा अच्छे गुणवत्ता वाला सब्जियां, फल, जड़ी बूटी, दूसरी आयुर्वेदिक हर प्रकार की जो है वो अच्छी उत्पादकता जो है वो मिल सके ताकि लोग खुशहाल भी हों, उनका स्वास्थ्य भी रहे, तो सब लोग जो है इसको अपनाएं। उज्ज्वल हिमाचल के लिए जोगिंदरनगर से लकी शर्मा। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।